हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने काफ़ी अच्छे से बोला है क्योंकि क्या होता है कई बार मैं ऐसे आती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कुछ लोग जैसे क्या होता है वीडियो ऑन करते हैं तो वो लोग डर जाते हैं, तो मुझे लगा मैं आराम से बोलूँगी। मेरी हैबिट है जब मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ ना तो एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ कि एक अच्छा सा हेलो तो बनता है। सो गाइज, तो मैं अभी अपने लिए लेके आई हूँ मुरमुरे, और ये है मुरमुरे को क्या बोलते हैं, पॉप्ड राइस आई थिंक, हाँ। और ये है मिस्री जो प्रसाद में चढ़ती है, और ये सॉल्टेड है, लाइक आई थिंक ये जो सॉल्टेड वाले मिलते हैं ना, फीके वाले नहीं, सॉल्टेड वाले हैं। तो ये दोनों मैं मिक्स कर देती हूँ और उसके बाद मैं इसे खाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है पता है ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि आप ट्राई करिएगा, एक नमक है और एक मीठा, सोचिए। तो इसमें इतने मुरमुरे लीजिए, और जैसे थोड़ी भूख लगी है या शाम का कुछ आपको खाना है, हेल्दी तो नहीं हो सकता क्योंकि मीठा है इसमें, पर फिर भी इतना मीठा नहीं है, पर काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं बना के रख लेती हूँ। राजू को भी बहुत पसंद है, जैसे हम लोग को कहीं बैठे हुए हैं कुछ चबाने का मन कर रहा है तो ये बेस्ट है, वरना आप मखाने और मूंगफली बना सकते हैं। मखाने फ्राई कर दीजिए, मूंगफली फ्राई कर दीजिए, तो और बेस्ट 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 चीज़ है। भोजो के कराटे की आवाज़ नहीं आ रही ना, नहीं आ रही, पता आपको भोजो जो है वो इतने कराटे लेता है। कई बार मेरे पास ना कंपनी से कॉल आते हैं और मैं उनसे बात करती हूँ और वो खराटे ले रहा होता है, तो वही मुझे लगता है, मुझे कई बार लगता है, वो सोचते होंगे कि इस यूट्यूबर का पति कितना सोता है, दिन में भी सोता है। कई बार वो लोग शाम को भी कॉल करते हैं कि हाँ सेकंड थॉट या बात करनी है उस प्रोडक्ट के बारे में, तो तब भी वो फ़ोन में वो करते हैं तब भी खराटे की वो आती है, तो सोचते होंगे इसका पति सीरियसली कुंभकर्ण है। तो वो ऐसे सोता है, वो सच में सोचते होंगे कि पता नहीं पति है या कौन है, क्योंकि उन्हें क्या पता वो डॉगी है जो खराटे दे रहा है। और कुछ कमेंट भी आते हैं कि वीडियो वगैरह तक ठीक है, अब देखिए कमेंट कितने अच्छे रहते हैं, वीडियो वगैरह तक ठीक है बट ये बता दीजिए, बुरा मत मानेगा कि खराटे कौन ले रहा था, तो क्योंकि राजा तो मैं बोलती हूँ कि राजा नहीं है और फिर खराटे कौन ले रहा था, तो थोड़ा सा हो जाता ना कि डॉग से अगर आपके पास डॉग नहीं है तो फिर सोचते नहीं होंगे कि वो खराटे लेते होंगे, क्योंकि हमें भी लगता था पहले जब डॉग्स नहीं थे कि डॉग्स और खराटे, डॉग्स और छींक और डॉग्स और पार्टिंग, ये सब तो बहुत नॉर्मल है। हम लोग को बाद में समझ में आया कि हाँ वो भी सब कुछ करते हैं, मतलब सब कुछ खराटे भी लेते हैं और इवन सपने में सोते हुए भागते भी हैं, क्योंकि बोजो कई बार ऐसे पैर चलाता है सोते सोते, वो ऐसे लेटा है और वो भौंक भी रहा होता है। तो बोजो के चक्कर में कई बार कुछ लोगों को शक हो जाता है कि इनके पति नहीं है यहाँ पे, और क्या होता है ये लोग इतना ब्लॉग में नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि घर फैला हुआ है, सब फैला हुआ है, तो मैं इतना अलाउ नहीं कर रही हूँ कि घूमें। और आज तो बालकनी का डोर भी नहीं खुल रहा है, आई थिंक वहाँ से मैट उखड़ी है और वो फंस गया, मैं सुबह से खोलने की कोशिश कर रही हूँ, बालकनी का डोर नहीं खुला है। तो वही मेरे को लगता है कि कई बार लोग नहीं देख रहे, एकदम से कोई आया फर्स्ट टाइम और मैं बोल रही हूँ मेरे हस्बैंड आने वाले और कोई सो रहा है बाजू में जिसे खराटी की आवाज़ आ रही है बस, और वो ना विजिबल नहीं है, कुछ नहीं है, तो वही थोड़ा बहुत शक वक आ जाता है। फिर मेरे को कई बार हंसी आती है कि यार क्या सोच रहे होंगे। मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि मैं फ़ोन कर रही हूँ, मैं पता कई बार क्या करती हूँ, मैं उसे ऐसे करके हिलाती भी हूँ थोड़ा शांत हो जाए, मैं कोई बात कर रही हूँ और उसकी खराटे की आ रही है, वो लोग पूछते नहीं क्योंकि वो थोड़ा वो ही आता है अनप्रोफेशनल की वो कुछ पूछे ऐसा कि खराटे की। तो आज का जो अपडेट है, क्योंकि मैं आपको अपडेट ब्लॉग ही देख पा रही हूँ, तो आज का जो अपडेट है वो ये है कि आज मेरी लाइफ का थोड़ा शांत दिन था, शांत दिन क्योंकि मैं बहुत अच्छे से सोई हूँ, मेरी आँखें आप देखिए थोड़ी सी खिली लग रही होंगी, और बहुत शांत डे था आज, मतलब कि घर में कोई भी काम नहीं हुआ है, पेंटर नहीं आया ना इलेक्ट्रीशियन आया, क्योंकि हम लोग कन्फ्यूज़ ही घूम रहे हैं कि जो कलर है वो चेंज कराएं या क्या कराएं क्या नहीं कराएं, तो वही कन्फ्यूजन के तहत जो चीज़ें थी वो अभी भी कन्फ्यूजन में ही है, तो वही चीज़ें अटकी हुई हैं, कुछ नहीं पता है अभी। तो राजा शायद कल इलेक्ट्रीशियन आ जाएगा या फिर हम फिर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, क्योंकि समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो क्या हुआ, कोई नहीं आ रहा था और मैं कल मैंने बहुत काम किया, अगर आप ब्लॉग देखेंगे तो कल का जो ब्लॉग है वो 34 मिनट का पहुंच गया। कल मैंने लिटरली आई थिंक बहुत काम किया, दिवाली की सफाई करी थी मैंने, फिर मैं रात में भी इनकी तबीयत ख़राब हो गई तो इन्हीं को देख रही थी, अगर आपके हस्बैंड की तबीयत ख़राब है तो वो एक बच्चे से कम नहीं होते, तो उन्हीं को मैं देख रही थी, थोड़ी सी हरारत हो रही थी इन्हें, और ये हरारत में ना थोड़ी सी आवाज़ें निकालते ना इंसान, जैसे आपको होती है मैं बहुत बच्चा बन जाती जब मेरे फीवर होता है, तो इन्हें हरारत हो रही थी, तो मैं बार बार उठ के देख रही हूँ इन्हें कि तब फीवर है क्या है, तो फीवर जो था वो तो नहीं चढ़ा, ये अच्छा हुआ ये ऑफिस चले गए क्योंकि लड़के ही थे, अगर फीवर चढ़ता भी तो ये चले जाते ऑफिस, तो कोई सेंस नहीं था
ये रुकते भी उस टाइम पे, चाहे फीवर होता है नहीं होता, दोनों चीज़ें बराबर थी। तो रात भर मेरी थोड़ी सी नींद डिस्ट्रैक्टेड रही है ये कारण, क्योंकि मैं बार बार इनसे, मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, हाँ तो मेरी जो नींद थी रात में वो इनके कारण डिस्ट्रैक्टेड रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा करवट बदल रहे थे, हरारत होती ना, नींद नहीं आती, तो इनकी नींद नहीं लग रही थी। तो बड़ी मुश्किल से सोए हैं, तो मैं सोई हूँ 5 बजे। उसके बाद फिर हाउस हेल्पर मेरी आई है, मैंने काम किया, इनका खाना बना के दिया, इन्हें रोकने की कोशिश करी है, रुके ही नहीं। उसके बाद तो जब काम हो गया ना, तो मैंने तो बोला दादा जिसको भेजना है भेज देना, पर मुझे कॉल तब तक मत करना जब तक कोई गेट पे ना खड़ा हो कि वो पहुंच गया है, तब तक मुझसे कोई बात मत करना, मैं जा रही हूँ सोने। मैंने एसी ऑन किया, मैंने चादर डाली, और फिर जब मैं सोई हूँ ना, अव्वल नंबर मैं 5 बजे शाम को उठी हूँ, बहुत गंदी बात है, बट मेरे पर अभी ऐसी, मतलब कहते हैं ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राजा को टिफिन दे दिया, सब दे दिया, राजा नहीं आते, तो मुझे ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फिलहाल। तो थोड़ा सा तो ये रहता है कि अभी जब तक है ये चीज़ें, तब तक मैं उसका फ़ायदा उठा सकती हूँ। मैं 5 बजे तक सोई हूँ, फिर मैं उठी, मैंने शार लिया है, तो मैंने खिचड़ी बना के रखी थी अपने लिए, और मूंग दाल की मैंने खिचड़ी खाई है बिना घी की, मेरा घी ख़त्म हो गया है, तो ये खिचड़ी खाई। उसके बाद फिर मैंने एडिटिंग की, वो ब्लॉग 2 घंटे का था, जो मैंने 34 मिनट में चॉपिंग करी जिसकी, और वो 34 मिनट का ब्लॉग हो गया उसके बाद भी। उसके बाद फिर मेरे को लगा कि मैं थोड़ा सा तैयार होती हूँ, तो मैंने बेस कुछ भी नहीं किया, मैंने फेस वॉश किया है और मैंने मॉइस्चराइजर तक नहीं लगाया, मैंने काजल लगाया क्योंकि मेरी आँखें बहुत सूज जाती है जब मैं सो के उठती हूँ, और ये लिपस्टिक लगाई है, ये है लैक्मे का क्रेयॉन आया था ना जब लॉन्च हुआ था आई थिंक, तो वो लगाया हुआ है मैंने, और बिंदी आई वो मेरी बड़ी बागिया टाइप की हो रही है देखिए। तो चलिए मैं सिखा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। राजा आते हैं, क्या सीन है, कुछ खिला रहे हैं नहीं खिला रहे, मुझे KFC के जो वेज राइस बाउल आते हैं ना वो खाने का मन कर रहा है। KFC यहाँ से दूर है, गौरीघाट है ना वहाँ पे है, हम लोग के यहाँ से दूर है KFC, होम डिलीवरी होती नहीं है क्योंकि बहुत दूर है। तो मेरा बहुत टाइम से बहुत मन कर रहा था वो जो आते हैं उनके, मैंने और जो KFC है लास्ट टाइम मैंने गोवा में खाया था, और जो वेज के आते हैं ना उसमें पॉपकॉर्न और आलू की टिक्की रहती है, आलू टिक्की वाले जो राइस आते हैं, आलू टिक्की और वेज राइस जो भी बोलते थे, वो खाने का बहुत मन कर रहा है। मैं देखती हूँ अगर आज थोड़ा सा ऑन टाइम आते हैं या थोड़ा सा पहले आ जाते हैं तो शायद मुझे नसीब हो जाए, मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है आज उसकी, तो देखते हैं। मैं फ़ोन करती हूँ, थोड़ा मक्खन लगाती हूँ और वो आ जाएगी मुझे पता है। तो चलिए अब मैं खाती हूँ उसके बाद। तो राजा तो अभी तक आए नहीं हैं और मैंने उन्हें कॉल भी नहीं किया क्योंकि उन्हें टाइम लगेगा, क्या लगेगा, मुझे लगा परेशान नहीं करते हैं, और वैसे भी अकेले हैं तो इसलिए मैंने उन्हें परेशान नहीं किया, और ना मैंने कॉल किया खाने के चक्कर में, क्योंकि मैंने मुरमुरे और चिरौंजी खा ली थी, तो उससे जो पेट है वो भरा हुआ है। तो मुझे ये एल्बम मिली और इसमें वे छोटे छोटे फ़ोटोज़ हैं, मुझे लगा चलो शेयर करते हैं। तो ये एल्बम जब हमने सफाई करी ना तब मिली वहाँ से, तो ये कुछ फ़ोटोज़ हैं, ये देखिए, ये और दिखाती हूँ मैं आपको कुछ पॉकेट साइज़, और एक फ़ोटो ये है, थोड़ी अच्छी नहीं है पहले बता रही हूँ, कोई जज मत करिएगा मुझे। एक तो ये है, ठीक है, ये मुझे ना एक टाइम पे बहुत शौक था, मैंने मिस जबलपुर में भी पार्टिसिपेट किया था, ये अराउंड 2010 की बात है, तो मुझे काफ़ी शौक था फ़ोटो खिंचवाना, मॉडलिंग करना। तो मेरी हाइट नहीं है कि मैं मिस इंडिया या कुछ बन पाती, मिस इंडिया के लिए नहीं है, मिसेज इंडिया के लिए हो सकती थी, बट उसके लिए मुझे अभी तक पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद कहते हैं ना अरमान मर जाते, शादी के बाद मेरे अरमान मर गए कि जाऊँ और किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करूँ। तो शादी से पहले मुझे बहुत शौक था, तो मैं फ़ोटोज़ खिंचवाती थी। अब देखिए ये वाली फ़ोटो है, ये फट गई है मेरी कप पे भी है ये फ़ोटो, देखिए इसमें कपड़े जो हैं हो सकते हैं आपको अप्रोप्रिएट ना लगे। मैं कभी चाहती थी कि मैं ऐसा कुछ करूँ और ऐसी लाइन में जाऊँ और कुछ करूँ, बट फिर मुझे उससे पहले ही प्यार हो गया था, फिर भी मेरे को लगा चलो यार कंटिन्यू रखते हैं इस चीज़ को। तो ये देखिए ये फट गई, बहुत डरावनी फ़ोटो है, बट ओह माय गॉड। तो ये जो है मैं इसमें आई थिंक रही होंगी 19 साल की, और इसमें भी 19, ये सब एक साथ की फ़ोटो उसके बाद दिखाती हूँ। ये वाली फ़ोटो मैंने आपको दिखाई, ये फेसबुक पे डली हुई है मेरी। उसके बाद ये मैंने छोटे छोटे राजा ने बनवाए थे, उन्हें एक्चुअली में ना अपने उसमें रखते हैं, क्या बोलते हैं, अपने पर्स में रखते हैं राजा मिनी फ़ोटोज़, तो उन्हें बनवा के रखी थी मेरी फ़ोटोज़ छोटी छोटी। राजा को भी बहुत अच्छा लगता है मेरे फ़ोटो खिंचवाना,
मतलब उन्हें बहुत पसंद है, वो मेरे से अभी भी बोलते थे चलो यार कहीं चलते हैं, तुम्हारी फोटोज़ खिंचवाते हैं, ये करवाते हैं। और फ़ोन्स आ गए हैं तो इतना कहते हैं ना शौक नहीं रह गया है। तो ये देखिए, ये एक फ़ोटो है, फिर ये उसी का मिनिएचर फॉर्म है उस छोटी फ़ोटो का, फिर एक ये वाली फ़ोटो है, फिर एक ये फ़ोटो है, और उसके बाद फिर एक ये फ़ोटो है, उसके बाद ये फ़ोटो पता नहीं कैसी लगी आड़ी तिरछी है, ये शर्ट ये आई थिंक ऐसी होगी, हाँ ये ऐसी ये फ़ोटो है, और फिर वही उसी का मिनिएचर है, इस पर शिवानी लिखा हुआ है। इसे फोकस हो रही है नहीं हो रही है, ये देखिए। उसके बाद फिर एक ये फ़ोटो मुझे बहुत अच्छी लगती है एक्चुअली। मेरी जो बैकग्राउंड है ये एडिटेड बैकग्राउंड है, ये नॉर्मल फ़ोटो ली गई थी, फिर जो फोटोग्राफर था उसने जो फोटोग्राफ थी वो एडिट करी थी। इसमें काफ़ी छोटी ही हूँ मैं, ये आई थिंक मैं 17 ईयर्स की होंगी, तो अब देखिए कितनी पतली सी हूँ मैं इसमें। ये मेरे कुछ अधूरे सपने थे। इसमें एक और स्किप हुई है, ये एक सलवार सूट वाली है, फिर ये साड़ी वाली है, फिर ये है एक ये है। तो काफ़ी सारी फ़ोटोज़ में बालों का कलर चेंज हो गया है रखे, तो बालों का कलर चेंज हो गया है रखे कुछ गिर भी नहीं है। हाँ तो बालों का कुछ कलर चेंज हो गया है। तो ये कुछ मेरे अधूरे सपने हैं जो मैं आई थिंक इस लाइफ टाइम में कभी पूरा नहीं कर पाऊँगी लगता है बस, अब पर खुश हूँ मैं। ये है तो कुछ थे, मतलब मैं जो मैंने पढ़ाई करी है मैं उससे हमेशा अलग गई हूँ। जैसे मैंने इंजीनियरिंग करी और उसके बाद मैं एकदम ही अलग थी, मतलब पढ़ाई मैंने बहुत अच्छे से करी, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, मेरे पास एमटेक की ऑनर्स की डिग्री है। तो सोचिए पढ़ाई भी करती थी बट मुझे इन सब चीज़ों का शौक था। तो मेरे पापा हमेशा से ये बोलते थे, मतलब जो हम लोगों की फैमिली थिंकिंग है, मतलब मेरे पापा मम्मी की, वो ये है कि लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास एक ऑप्शन है लड़का या लड़की पढ़ाने का, तो आपको लड़की को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि लड़की की शादी के बाद या कभी भी उसे कहते हैं ना एक पढ़ाई आपका सहारा रहती है। तो उन लोगों का मेन फोकस स्टडी था कि कुछ भी कर लो सब करो, बाद में करो पर पहले पढ़ाई करो। फिर उसके बाद मैंने ये सब नहीं किया तो मैंने शादी कर ली। तो इसमें ये सारी फ़ोटोज़ थी, तो मुझे देख के ना कल थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था कि मैं क्या चाहती थी और मैंने क्या किया, बट आई थिंक मेरी लाइफ का बहुत अच्छा डिसीज़न था राजा से शादी करना। तो ये कुछ फ़ोटोज़ मुझे मिली थी। और आपको एक और राज की बात बताती हूँ। तो कहते कई बार किस्मत दस्तक देती है और वो चीज़ें होती नहीं हैं, तो वो चीज़ हो नहीं पाई थी। तो एक्चुअली मेरे पास एक बार आई थिंक 2013 की बात होगी, मेरे पास आई थिंक मैसेज होगा, आई थिंक या एक्चुअली मेरे पास यही काम होता है। तो मेरे पास एक बार मैसेज आया था, मुझे फेसबुक के थ्रू एक मूवी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, बहुत बड़ी बात होती है। 2013 शादी के एक साल बाद हुआ था ये, और उसके कारण मैं दिल्ली भी गई थी एक दो बार। तो कहते ना वो कुछ इंटरव्यू वगैरह होते हैं, बट क्या होता था मैं दो बार गई, बोजो आ गया उस बीच में, आई थिंक बोजो को लेने गई थी मैं, कहते ना किस्मत। तो गई मैं वहाँ पे और जो था वो पोस्टपोन हो जाता था, वो हो नहीं पाता था। तो मेरे पास देखिए ऐसा मैसेज आया था, और मैं उस टाइम आई थिंक 8-9 महीने पगलाई थी, मैंने पूरी स्टोरी सुनी थी जिनने मुझे मैसेज किया था उनके थ्रू। तो ये देखिए ऑडिशंस की जो डेट्स वगैरह थी वो सब आती थी, 2013 का ही होगा ये मैसेज। मैं कल राजा से वही बात करी थी, नाम मैं नहीं दिखाऊंगी आपको। ये जो हैं ये राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में जैसे मूवीज़ वगैरह बनती है ना, जो फोक लोकल मूवीज़ बनती हैं, आई थिंक उसका था या वो मेन उसमें बनाने वाले थे, वो मुझे इतना नहीं मालूम। उनका आया था हेलो चांदनी, ये देखिए पहले बच्चे का नाम था माँ मडर मॉफिन करके, आई थिंक कुछ कोक वगैरह या थोड़ी सी जो कंटेंट था वो थोड़ा सा वो था, तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज भी थी इस चीज़ के लिए। फिर तो ये कब की डेट है, 7 मार्च 2013, तो 7 मार्च 2013 पे आया था ये। तो इनका जो नाम मैंने लिखा था, ये फिल्म बेस्ड ऑन एन इशू हैपेंड इन राजस्थान इन अर्ली 90s, वी आर लुकिंग फॉर 3 राजपूत गर्ल्स फ्रॉम राजस्थान टू प्ले लीड, माई कास्टिंग डायरेक्टर प्रकृति सोफी गौतम वॉज सर्चिंग ऑन फेसबुक एंड शी गॉट फ्यू फेसेस, तो उसमें से थी मैं। और मेरे को पता है उनने मुझे जो मिडल सिस्टर जो बीच वाली सिस्टर थी
उसके रोल के लिए किया था, जो कि थोड़ी सी कहते हैं ना स्मोकिंग और थोड़ी सी टपोरी टाइप की, कुछ कुछ इस तरह से उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया था, मुझे एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है। फिर उसके बाद वो बुलाते थे, फिर मैं पूछती थी पिक्चर कहाँ शूट होगी, फिर बहुत सारी थी। उनने बोला था कि उनने जो स्केच डिज़ाइन किया था लड़की का वो मुझसे मिलता मिलता था, तो इसलिए उनने फेसबुक पे सर्च करी थी। और उसके बाद होते होते ये चीज़ 2-3 बार मैं गई, और वहाँ पे दिल्ली में हुआ था इसका, 23 मार्च को उनने इंडियन कॉफ़ी हाउस बुलाया, जो कि मैं गई और वो नहीं हुआ। उसके बाद 12 अप्रैल 2013 तो बोजो आया था अपने पास, तो बोजो तो 12 अप्रैल 2013 को इनका था। अब देखिए स्टोरी कितनी, हम बोजो का बर्थडे जो 1 अप्रैल को बनाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बोजो कहीं ना कहीं इसी टाइम पे, मतलब मैंने एक डेट एग्जैक्ट कर लिया, आपको अपने डॉग की जो डेट है वो इतनी एग्जैक्ट पता नहीं होती है। तो ये जो था ये तब आया था 12 अप्रैल 2013 की, जो भी शॉर्टलिस्टेड है पिक्चर का नाम, वो 14 अप्रैल संडे को वेन्यू है इंडियन कॉफी हाउस, वहाँ पे जो मीटिंग है वो थी। 12 को गए और उसके बाद हमें 15 को आना था, और जो 13 तारीख को था उन्हें इन्फॉर्म कर दिया कि जो ऑडिशन वगैरह या जो भी है उससे वो कैंसिल हो गया है। और उस टाइम पे बोजो आ गया, आई थिंक मैं बोजो के लिए गई थी वहाँ पे उस टाइम पे। अगर मैं उस टाइम पे दिल्ली नहीं जाती तो बोजो शायद नहीं होता हमारी लाइफ में, इतनी अजीब अजीब चीज़ है ना। और उस टाइम पे थोड़ी एक्साइटमेंट भी थी बोजो को लाने की, क्योंकि हमारे घर में एकदम रीसेंट जर्मन शेफर्ड आया था, मतलब नया नया, तो उसे देख के भी लगता था हमें कि डॉगी जो है हमें लेना चाहिए। फिर हम बालाजी भी चले गए थे, तो 2-3 दिन के अंतर में हमने काफ़ी काम कर लिया था, पर वो ऑडिशन कैंसिल हो गया। पर 2-3 चीज़ें हो गई, जैसे बालाजी चले गए और क्या बोलते हैं बोजो आ गया, तो सबसे मेन तो आई थिंक बोजो के लिए था। उसके बाद ये ऑडिशन, तो ऑडिशन के बाद मैंने आपको बताया ही नहीं, मैंने आपको हमेशा बोला कि बालाजी के लिए गए थे हम, बालाजी के लिए गए थे, तो बालाजी भी जाना था हमें, तो वो 2 काम हो गए थे, पर वो ऑडिशन के लिए गए थे हम। तो वही मैं कल ये एल्बम देख रही थी और मेरे को लगा कि क्या सपने सजाता है इंसान और होता क्या है। आई थिंक पता है आपके लिए भगवान जी जो हैं वो अलग प्लान करके रखते हैं, लाइफ वैसी नहीं जाती जैसे कि आप सोचते हैं। और ये कुछ ऐसी ड्रीम्स थी जो हमेशा से मुझे लगता था कि पूरी होंगी, हाँ मुझे हमेशा से लगता था कि कभी पूरी होंगी, शायद होंगी, और मैं सोचती थी। फिर अब मुझे लगता है कि अच्छा है नहीं हुई, क्योंकि कई बार मैं चीज़ें देखती हूँ, कुछ वेब सीरीज़ देखी मैंने बालाजी की, ALT बालाजी की, आपको पता है वो दिमाग बर्न कर देती है आपका, इतना गंदा कंटेंट, इतना गंदा कंटेंट कि मेरा मूड ऑफ हो गया था अभी 2-3 दिन पहले से चक्कर में। फिर मुझे लगता है कि उसमें टीवी सीरियल वाले भी रहते हैं, बहुत सारे नोन फेसेस रहते हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छा है यार मैं नहीं गई, मुझे कई बार लगता है। तो शायद मैं पहले काफ़ी अच्छी दिखती थी इसलिए इतना सब कुछ हो रहा था, मैं सोचती थी कुछ कर लूँगी, अब नहीं पता। और अब तो मिसेज इंडिया के लिए भी राजा मुझसे बोलते हैं, तो मैं बोलती हूँ यार मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे से नहीं, मुझे नहीं करना, मेरा बिल्कुल जो कहते हैं ना एक इच्छाएँ थी वो सारी मर गई। और ऐसा नहीं है, मुझे राजा जो है बहुत सपोर्ट करते हैं कि मैं जाना चाहूँ तो जा सकती हूँ, पर मेरा मन नहीं करता, क्योंकि अब मैं आपको कारण बताती हूँ, क्योंकि मुझे 10-15 दिन के लिए जाना पड़ेगा कहीं पर और राजा अकेले रह जाएंगे, फिर राजा को कौन देखेगा, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता राजा को छोड़ के जाने का। मैंने जॉब भी नहीं करी इसलिए बाहर, सो मैं कैंपस में भी सिलेक्टेड थी TCS के, तो मैं वहाँ पे भी नहीं गई क्योंकि मुझे राजा को छोड़ के नहीं जाना था, सीरियसली मुझे राजा को छोड़ के नहीं जाना। तो मेरे लिए पता है सबसे मेन चीज़ है राजा, उनके साथ मैं खुश हूँ, बट मुझे लगा चलो कुछ शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ, तो मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ। और देखिए 11 मिनट हो गए आपसे बात करते करते, और इनका कुछ भी पता नहीं आएंगे कब क्या करेंगे। और गाइस पता है मैं और मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं, ब्लॉग बन नहीं पा रहे हैं, और ब्लॉग पता है मेरे को ऐसा लग रहा है कि जितना नॉर्मल टाइम में बनते हैं उससे ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन के बन जा रहे हैं अपने आप। तो देखते हैं कब आ रहे हैं क्या कर रहे हैं। आज का ब्लॉग जो है वो चैटिंग ब्लॉग है, मैं चीज़ें शेयर कर रही हूँ, बात कर रही हूँ आपसे बस, क्योंकि मुझे खाना खाने कुछ ना कुछ अच्छा ही जाना है, मेरे को नहीं खाना घर में, खाने का मन नहीं मुझे घर में। तो मैं एक कॉल करती हूँ राजा को और फिर देखते हैं वो कहाँ है, कहाँ आ रहे हैं, क्या करेंगे। सो गाइस जो राजा हैं वो आ गए, और उसके बाद फिर हम लोग गए KFC। तो KFC में मैं एंटर नहीं हुई क्योंकि आप देख सकते हैं मेरी हालत, और आज वेडनेसडे है, तो आज कहते हैं ना क्या बोलते हैं ऑफ डे टाइप का रहता है ना लोग, एक तो ऑफ डे रहता है जो TTS मानते हैं नॉन वेज के लिए उनका, ऊपर से वेडनेसडे है, टिकट जो रहती है वो सस्ती रहती है। इन्हें बोला स्टूडेंट ऑफ द ईयर की भी 90-something rupees की थी ना, पर पॉपकॉर्न वगैरह खाते हो आपका 500-700 का ऐसे में,
खर्चा बैठ ही जाता है। एवेंजर्स की कितने की थी? 90+50। और मेरा मन ही नहीं था आज, ने दिन में ही बोला था कि चलो घुमा के ले आता हूँ, चलो पिक्चर दिखा देता हूँ, पर आज मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे ब्लॉग एडिट करना था और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था और मुझे नींद आ रही थी, आपको पता है, उसके बाद मैं सोई हूँ। तो फिर हम लोग गए, मैं कारी में थी, ये जो थे ये लेके आ गए KFC, दिखाती हूँ आपको। मेरा मन हो और राजा पूरा ना करे ऐसा हो नहीं सकता, तो इसमें गरम गरम खाना है। Is that you can trust. और इसमें चिकन भी है इनका, चिकन और मेरा यहाँ पे वो है राइस बोल, ये देखिए मैं चिकन दिखा नहीं सकती हूँ। तो ये जो है ये लेके आ गए हैं, और मतलब मैं भी गई थी पर ये लेके आए, तो अभी हम इसे बाद में खाएंगे। तो जो मेरी वो थी क्या बोलते हैं क्रेविंग, वो राजा जी ने पूरी कर दी, थैंक यू राजा, वेलकम मोटी। सो ये है वो इंसान, वो है यही है वो इंसान जो मुझे मोटी मोटी बोलता है। और पता है वो कब से बोलते हैं मुझे मोटी मोटी? मोटी इसलिए नहीं बोलते क्या मोटी? जब मैं इतनी पतली थी, इतनी इतनी वाली। मैं प्यार से इनका नाम मोटी रखा है, मोटी बोलता हूँ प्यार से। हाँ तो प्यार से मुझे मोटी बोलते हैं राजा। मैं अपनी आज वो दिखा रही थी कि मेरी क्या इच्छाएं थी और मैं क्या बनी। फोटोज जो खिंचवाती थी मुझे पहले शौक था बहुत मॉडलिंग वॉडलिंग करने का, कि अब मैं वो कप भी दिखाती हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं है वो, मैं आपको पहले दिखाती हूँ। रसोई में कप रखे हुए हैं, ये रही मैं। तो ये जो है, ये जो अगर आप सोच रहे होंगे कि ये टॉप का है, तो ये वो ट्यूब टॉप बोलते हैं, हाँ ट्यूब टॉप की फोटो है, तो कुछ भी गलत मत सोचेगा, ये ट्यूब टॉप की फोटो है। तो देखिए इसमें मेरा नाम लिखा है और एक फोटो यहाँ पे भी है जो सीन है, ये फेड हो गई पर मैंने रखा हुआ है। इसे मैंने कभी कुछ पिया नहीं क्योंकि कितनी मेरी यादें हैं ये, जब मैं कुछ करना चाहती थी तब की। तो कुछ यादें रखी हुई हैं, मॉडलिंग करने का शौक था, कोई शौक नहीं था इन्हें, ये इनकी मम्मी पापा की। अच्छा है, ये देखिए वही थी ना, इन्हें फोटो बनवा के रखी थी, निकाल दो तो एक बार मैं आपको निकाल के। अरे मेरी पर्स की हालत थी, तो कुछ नहीं होता ना, पर्स ऐसे ही हो जाता है। ये देखिए फोकस करना पीपी से, ये वाली, और मेरे चेहरे पे क्या लगाया हुआ? अरे वो पर्स का लेदर लग गया। ये वाली फोटो लगी, मैं कितनी बार आपको ये वाली फोटो दिखा रही हूँ। ये यहाँ पे एक होर्डिंग में भी लगी थी, है ना राजा? कौन सी? ये वाली। हाँ ये एक होर्डिंग में भी लगी हुई थी, होर्डिंग भी बोलते हैं ना उसे, होल्डिंग क्या बोलते हैं जो ऐसे उसमें लगी रहती है, उसने अपना फोटोग्राफर ने लगाई थी बिना पूछे। तो राजा जिनने खींची थी फोटो, फिर राजा जाके लड़के आए थे उस दिन, है ना राजा? पत्थरबाजी करके है रहा मस्त, अभी हटाओ। परमिशन ली थी और उन्हें लगा दी थी फोटो, तो उनकी जो शॉप थी उसके सामने इतनी बड़ी सी होर्डिंग लगी थी। तो मैं कॉलेज में थी, तो मेरे ना कुछ फ्रेंड्स गए, जैसे रोड पास होता है गए, वो उन्हें बोला चांदनी तुम्हारी फोटो लगी है, और फिर तुम्हारी फोटो लगी, तो मेरे को लगा मेरी फोटो किसने लगाई और किस खुशी में लगाई। फिर मैं गई, मैंने क्या हुआ, जो मेरा फ्रेंड था, बहुत अच्छा फ्रेंड है वो, अभी भी है ही, बट उसकी शादी हो गई है तो यहाँ नहीं रहता है, तो उसको पता था मुझे पता था, तो मैंने उससे बोला कि राजा को मत बताना, हम लोग ना चुपचाप चल के उससे बोल देंगे कि हटा दो। पर क्या हुआ, उसने बता दिया, है ना, तुम्हें बता दिया ना, राजा को बता दिया, और राजा इतने गुस्से में गए थे। हम लोग किसी रेस्टोरेंट में थे, इनने मुझे छोड़ा वहीं पे, इन्होंने मुझे वहाँ पे छोड़ा, और इन्हें बोला मैं अभी आ रहा हूँ, इन्हें बोला कि मैं अभी आ रहा हूँ। फिर ये और मेरा वो जो फ्रेंड था वो दोनों गए, और जो होर्डिंग थी वो हटवाई वहाँ से, उन्हें बोला कि ये दिखनी नहीं चाहिए आप फोटो यहाँ पे। तो ऐसे दोनों माना अपना तेल के मैंने पत्थर मारे पहले, ये देखिए कब आप सोच सकते हैं इतने आक्रामक हो सकते हैं, पर हाँ मेरे लिए ये बहुत गुस्से में आ सकते हैं, कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता, इतने गुस्से में आ सकते हैं, कोई मेरी फोटो यूज नहीं कर सकता, इतने गुस्से में आ जाते हैं। और ये है राजा की फोटो, और ये कब की है राजा? ये इनकी मम्मी पापा के एनिवर्सरी, छोटे से थे ना इसे, राजा छोटे कभी नहीं रहे होंगे मुझे ऐसा लगता, क्योंकि आपकी हाइट है, इनकी 6'1" समथिंग हाइट है, मेरी 5'5" है हाइट, आप लोग पूछते हैं, हम लोगों में हाइट का काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो मैं हील पहनती हूँ तो मेरी 5'7" इतनी चली जाती, 2-3 इंच की पहन लेती हूँ, पर ऐसे नहीं पहनती, मैं फ्लैट में जाती हूँ, मेरे को लगता लग रही हूँ छोटी तो लगूँ। ये वाली फोटो भी राजा तुम कहाँ कहाँ से फोटो दिखा रही हो मेरी, अपना ये वाली फोटो भी, और ये मेरी साड़ी वाली फोटो है,
सो गाइस चलिए बैटरी जा रही है, मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। गर्मी हो रही है बड़ी और खाने वाने का इंतजाम हो ही गया है। मैं जाके पहले फेलती हूँ, फेल के आती हूँ मैं खाना हम दोनों मिलके। सो बैटरी